सिटी न्यूज के प्रायोजक है ऑरेंज वैली स्कूल। नमस्कार, मैं पुष्पा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों से समझौता नहीं, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी में आपसी विवाद को लेकर हुई फायरिंग, गोली लगने से एक घायल। गर्मी और उमस बढ़ने के साथ ही बच्चों पर मौत बनकर टूटने लगा चमकी बुखार और एलियन। दो दिनों में 6 बच्चों की हुई मौत। जयंती पर ललित कुमार सिंह नटवर को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। और टीटी एसटीटी शिक्षकों ने बैठक कर 10 जून से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का लिया निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी में आपसी विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग की। इस घटना में दादर के शिवनाथ साहब घायल हो गए। अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी स्थित जेके टायर के समीप गुरुवार की शाम आपसी विवाद में एक पक्ष द्वारा की गई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गया। वहीं इस घटना में दादर निवासी शिवनाथ साह गोली लगने से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल शिवनाथ साह को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया। घायल शिवनाथ साह ने घटना के संबंध में बताया कि वह पेशे से ठेकेदार है। कुछ लोगों ने उन्हें मिट्टी भरने के काम को लेकर उन्हें बुलाया था। वहां पहुंचते ही एक व्यक्ति ने फायरिंग शुरू कर दिया। फोन करके बुलाया गया, ये बोलो मिट्टी भरना है, उनका ट्रैक्टर वगैरह रखे हुए मिट्टी वगैरह काम करते हैं। बुला करके कौन लोग हैं? कौन लोग बुलाया? पूरी तरह से नहीं पहचानने का, आदमी को पहचान रहे हैं। क्या हुआ है आपके साथ? क्या हुआ है? गैलरी में हुआ, बुलाया हमको फोन करके। कहाँ बुलाया था? क्या नाम है ये? जेके टायर के निकट। अच्छा, उसी जगह वो 7 कट्टा का प्लॉट भरना है। अच्छा। भी आइए मिट्टी भर दीजिए, ज़्यादा देख लीजिए। वहाँ गए हैं और पूछा है, आप भी आए देख लीजिए। उससे गोली चलाना शुरू कर दिया है। कितने की संख्या में था? मोटा मोटी 6 पट्टी था, 2 पट्टी, 2 पट्टी वाला नहीं था, 2 बोरे पट्टी था, वो गोली चलाया। पारू थाना क्षेत्र की एक पीड़िता ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने तथा पारू पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। बीते 19 मई को पारू थाना क्षेत्र के एक गांव में सरैया थाना क्षेत्र रामपुर बल्ली गांव के एक युवक द्वारा एक लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के दौरान घटनास्थल पर ही पकड़े जाने के बावजूद पारू थाना पुलिस द्वारा उसे जेल न भेजकर छोड़ देने के मामले में पीड़िता गुरुवार को SSP से मिली। पीड़िता ने SSP को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। बजे रात उठ के बाहर लेटिंग करने गए थे, ठीक है, उस समय मेरा गेट खुला हुआ था। उसके बाद हम घर में आए, आने के बाद देखे तब आदमी मेरे घर में था, मेरे यहाँ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह के तो मेरे माँ थे, वो भी अल्लाह किए, अल्लाह करने वाले मेरे गाँव को रोक दिया। आने के बाद सब उसको निकाल के ले गए, ले जाने के बाद थाना में भी अति हुआ, पुलिस भी आई। आने के बाद पुलिस मतलब उसको परिवार को बुला के उसको सौंप दिया गया, केस में रहे किसी तरह के बोले कि कोई सुनवाई नहीं। पुलिस हम ही लोग के ऊपर दोष डाल दिए कि हम लोग मारे हैं पीटे हैं चाहे कुछ भी। इस मामले में SSP मनोज कुमार ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। दोनों पक्षों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कि लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें भी कांड दर्ज किया गया। उसके पूर्व लड़की की तरफ से भी कांड दर्ज कराया गया। दोनों कांड अनुसंधान अंतर्गत है, दोनों में समुचित कार्रवाई की जा रही है। कौन सा मामला था सामने आया? प्रेम प्रसंग आ रहा है या फिर दुष्कर्म आ रहा है? लड़की देखिए, दोनों के एक बयान जो है, दोनों के ऊपर आरोप है। पुलिस है जो साक्ष्यों को संकलित करके द्रुत कार्रवाई करेगी। सरैया थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार एक युवक ने जेल जाने से पूर्व ही पुलिस वाहन में गला देत कर आत्महत्या का प्रयास किया। अपराध के एक मामले में सरैया पुलिस द्वारा एक शादी समारोह से गिरफ्तार बखरा निवासी बिक्की कुमार ने बुधवार को जेल भेजे जाने से पहले ही पुलिस की गाड़ी में ही ब्लेड से अपना गर्दन काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। आत्महत्या के प्रयास में घायल बिक्की को इलाज के लिए पुलिस अभिरक्षा में SKMCH के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया है। सर, हमको इतना टॉर्चर किया गया हुआ है सर कि अगर जिस हिसाब से हमको टॉर्चर किया हुआ है सर, अगर एक मर्त में अगर गोली मार देता है आदमी को तो उतना परेशानी नहीं होता है सर। ठीक है सर, बहुत मारा है हमको जी में।
हम मेरा कुछ भी कसूर नहीं है। अगर हम झूठ बोल सकते हैं, मेरा लोकेशन नंबर मोबाइल नहीं ना झूठ बोल सकता है सर। हम बोले कि सर मेरा नंबर ट्रेस कीजिए, उसमें कौन लड्डन मियाँ है, सुरेंद्र भगत है, किसका किसका नाम बहुता ले लिख के मतलब जबरदस्ती पेपर पर सब साइन करवाया वहाँ पे, तो साइन करो। हम पूछे हैं सर छोड़ रहे हैं, कौन लोग ये साइन करवाए जबरदस्ती, कौन लोग? वही मतलब थाने पर केस डालता कोई। अच्छा, तो वही बोल रहे हैं मतलब साइन करो, बोलो तुमको छोड़ने की बात हो रहा है। उसके बाद में जब पेपर पढ़ने लगे हैं तो पेपर बोलो तुम चौथा तक ले पढ़ा हुआ है तो तुम पेपर कैसे पढ़ लेगा? हम बोले सर हम पढ़ा लिखा है तो थोड़ा पढ़ने दीजिए। पढ़ने भी नहीं दिया है, दो पेपर पर साइन करवा के फिर उसके बाद में हमको कोर्ट में पेश कर दिया। घायल कैदी विक्की ने ब्लेड से गर्दन काटने का स्वयं पर लगाए जा रहे आरोप को खारिज करते हुए पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने तथा किसी अन्य के द्वारा गर्दन काटने का आरोप लगाने के मामले में एसएसपी मनोज कुमार ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, अगर पुलिस की लापरवाही सामने आई तो इस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी। कैदी जुडिशियल रिमांड के बाद जेल में जमा करने से तो उसने इंजरी का रिट किया और भागने की कोशिश की, पुलिस की एक लापरवाही है कि जब भी कोई कैदी को पकड़ा जाता है उसे सर्च के एक नियम है, कोई भी ऐसी वस्तु उसके पास नहीं होनी चाहिए जिससे अपने आप को हार्म करें। ये जांच का विषय है, ये जांच की जाएगी। कैदी ने भी कानून को हाथ में लिया है, उसने अपने आप को हार्म किया है और भागने की कोशिश की। गर्मी बढ़ने के साथ ही जापानी इंसेफेलाइटिस बच्चों पर मौत का कहर बनकर टूट रहा है। उमस बढ़ने के साथ उत्तर बिहार के कई जिलों में चमकी बुखार का कहर तेज हो गया है। बीते 48 घंटों के अंदर 7 बच्चों ने दम तोड़ दिया। अभी 11 बच्चे SKMCH में भर्ती हैं तथा 13 बच्चे केजरीवाल अस्पताल में हैं। केजरीवाल अस्पताल में स्थित AES वार्ड में 12 बच्चे भर्ती हैं। इनका इलाज कर रहे डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि अभी तक एक बच्चे की मौत हुई है और 12 बच्चे भर्ती हैं। सभी बच्चों के रीढ़ की हड्डी से सैंपल निकालकर जांच के लिए भेजा जा रहा है। अभी 9 बच्चे भर्ती हैं, AES आप नहीं कर सकते हैं, जब तक पुष्टि नहीं होती है आप AES नहीं कर सकते हैं कि AES के मरीज। संदिग्ध मरीज जो चमकी बुखार के साथ आते हैं और जिनका चमकी के दवाई देने के बाद फिर दोबारा तिबारा चमकी होते रहता है या वो अनकॉन्शस रहते हैं, अचेतावस्था में रहते हैं, वैसे बच्चे उनमें से अधिकांश बच्चों का ब्लड शुगर बहुत ही कम होता है और ब्लड शुगर को बढ़ाने के लिए जो हम लोग ग्लूकोज देते हैं उसके बाद भी उनके में सुधार नहीं आती, तो उनको संदिग्ध मरीज मानते हैं हम लोग। जब तक जाँच सैंपल नहीं आ जाए, ब्लड रिपोर्ट नहीं आ जाए, रीढ़ के पानी की जाँच नहीं आ जाए, तब तक आप AES उसको कहना उचित नहीं है। वैसे संदिग्ध मरीज अभी 9 मरीज हमारे यहाँ भर्ती है। अभी एक अभी तुरंत थोड़ी देर पहले फोन आया था हमको, उसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। मृत्यु के कारणों की पुष्टि हो पाई है कि क्या वो जेई या इंसेफेलाइटिस है? उनके ब्लड सैंपल भेज दिए गए हैं, जब तक उनका ब्लड सैंपल नहीं आएगा जेई या AES या कुछ भी क्या है ये नहीं पता चल सकता। अभी एक बच्चा था जिसको कि चिकन पॉक्स के बाद चमकी शुरू हो गया था, क्या उसको तुम लोग AES में नहीं रख सकते हैं? इसलिए जब तक कारण नहीं पता चलता है सभी को AES नहीं कहा जा सकता। वहीं SKMCH में अभी तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है और PICU 1 और 2 में कुल 11 बच्चे भर्ती हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। शिशु विभाग के विभागाध्यक्ष ने बताया कि सभी बच्चों का इलाज चल रहा है, साथ ही कहा कि जिले में इस तरह के बीमार बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने की अपील की है। अभी तक देखिए हम लोग मैंने जनवरी से लेके अभी तक जो फाइनल रिपोर्टिंग भेजे हैं 14 आउट ऑफ 14 दो थे उसमें डेथ है, तो लेकिन पिछले 3 दिनों से सडन एपिडेमिक यहाँ पर हो गया है और पिछले 2 दिन में करीब यहाँ तो कल तक का था कि 9 पेशेंट कल भर्ती हुए हैं और रात से लेके अभी तक 6 पेशेंट आ चुके हैं अभी तक, फिर हो सकता बढ़े। और केजरीवाल में जैसा पता चला है कल 7 पेशेंट एडमिट हुआ, तो ये लास्ट 2 डेज में सडन एपिडेमिक हुआ है और करीब 10-15 बच्चे करीब दोनों जगह मिला के भर्ती हुए हैं। मौत में तो हम लोग अभी रिकॉर्ड देखें 2 बच्चे कल रात में एक्सपायर किए हैं, जो कि परसों रात में जो एडमिट हुए थे वो 2 बच्चे एक्सपायर किए नहीं, उसके लिए हम लोग को वक्त देना पड़ता है। उसके ब्लड सैंपल को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट SKMCH प्लस RMRI पटना भेजते हैं, लेकिन जो प्रथम दृष्टिया है वो सब एक हाइपोग्लाइसीमिया का केस था। बेसिकली मैं एक क्लियरिफाई कर दूँ, यहाँ के जो जैसे एपिडेमिक होती है ना ये सब वायरस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि लास्ट 15 ईयर से यहाँ पर बहुत रिसर्च चली कि ये वायरस का तो नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट प्रूव्ड हो गया दिस इज नॉट रिलेटेड टू वायरस, ये मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी इसको बोलते हैं।
उसमें होता है क्या कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेज आने के बाद कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बॉडी में ग्लूकोज घटे जिसको हाइपोग्लाइसिमिया कह रहे हैं। अभी जितने पेशेंट 15 पेशेंट भर्ती हुए सबको हाइपोग्लाइसिमिया नॉर्मल। अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस ने कई NH पर गुरुवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया। जिले में बढ़ते अपराध के मद्देनजर पुलिस द्वारा गुरुवार को विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस क्रम में पुलिस ने वाहन चालकों की तलाशी के साथ साथ वाहन संबंधी कागजातों की भी जांच पड़ताल की। बिना कागजात और हेलमेट के चलने वाले वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। 5-6 गाड़ी गया ना, बताया ना अभी 5-6 गाड़ी गया। चालान वगैरह भी किया गया है। अभी जस्ट ऐसे किया, 10 मिनट जांच अभियान अभी जारी रहेगी। नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में गुरुवार को ललित कुमार सिंह नटवर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सदस्यों द्वारा स्वतंत्रता सेनानी ललित कुमार नटवर की 121वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व कुलपति डॉ. आरपी श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक बेबी कुमारी, डॉ. संजय पंकज, केदार गुप्ता, हृदय नारायण सहित कई अन्य लोगों ने उपस्थित होकर नटवर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज नवयुवक समिति के संस्थापक रंगकर्मी, नाटककार, साहित्यकार, कवि ललित कुमार सिंह नटवर की जयंती मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सुजन श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। संजय पंकज जी, आपको किचन गुप्ता जी और अध्यक्षता एक सुजन श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। सभी लोग नटवर जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना यही किया था और यह नौजवान समिति पूरे बिहार में सबसे पुरानी सेवा समिति है। आज इनकी जयंती है, नौजवान समिति इसे उत्साहपूर्वक मना रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों से समझौता नहीं। अगर आप फैशन की दुनिया में अपने आप को अलग लुक देना चाहते हैं तो आप चिंता ना करें। आपके इस समस्या को दूर करने के लिए खुल गया है आपके अपने शहर में संस्कार जेंट्स ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ बाहर के कारीगरों द्वारा कुशल काम किया जाता है। सभी प्रकार के हेयर कटिंग, हेयर कलर, ब्लीच, फेशियल, शेविंग, हेयर डिजाइनिंग तथा मसाज भी किया जाता है। यही नहीं, शादी के शुभ अवसर पर दूल्हे को सजाया भी जाता है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है संस्कार जेंट्स ब्यूटी पार्लर, राजमीना मार्केट, आम गोला रोड, अघोरिया बाजार, मुजफ्फरपुर। आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, 9798634075। यहाँ पे बाहरी कारीगर द्वारा जो भी है वो आधुनिक तरीका से सर्टिफिकेशन जो कस्टमर का हो सके वो हम देंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हम चाहेंगे कि प्रोवाइड करवावे सुविधा, ताकि वो खुश हों और हमारे यहाँ बार बार आने का उनका मौका मिले। ऑरेंज वैली स्कूल प्ले ग्रुप टू स्टैंडर्ड 5 बीबीगंज मुजफ्फरपुर। हाई क्वालिटी एकेडमिक एनवायरमेंट, qualified teachers and well management. Entire school premises is well equipped with CCTV camera, AC classroom, lab, audio visual and smart classes, indoor and outdoor games, excellent transport facility, extra curricular activities, music, dance, karate, yoga,
art and craft, event and festival celebration, time to time health checkup, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान ऑरेंज वैली स्कूल बीबीगंज मुजफ्फरपुर। ऑरेंज वैली स्कूल मुजफ्फरपुर शहर में नंबर वन प्ले स्कूल तो हैं ही, साथ साथ यहाँ क्लासरूम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक फुल्ली एयर कंडीशन है और चार वर्षों का ही ये परिणाम है कि अभिभावकों का इतना विश्वास बढ़ गया है कि दूर दूर से बच्चे यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग लड़कियों के नामांकन में 50% की छूट दे रहे हैं। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट 9122111938 7296095790। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITian, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मिल का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। यही मेंस में मुझे 98% आया है, इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है, मुझे 95.49% आया है JEE मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, इसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए। मेरा नाम निधि कुमारी है और उनका JEE मेन 2019 में 94.6% आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे JEE मेन 2019 में 94.3% आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला, वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर पंकज मार्केट सरैयागंज या मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर में। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463-884603, 9006877392, 8539-857777। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट, बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट,
जयमाला सेट लाख के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटरप्रूफ चूरा, सुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है, जैसे कि है कुंदन सेठ है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। एसटीईटी पास शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 10 जून से सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। एलएस कॉलेज परिसर में बिहार टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी संघ ने अपनी बहाली की मांग को लेकर अहम बैठक की। इस दौरान आगामी 10 मई को पटना में सरकार के खिलाफ धरना देने का निर्णय लिया। शिक्षक अभ्यर्थी संघ ने कहा है कि बिहार सरकार हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, जिसकी पूरी देश में प्रशंसा हो रही है, लेकिन केवल शिक्षा के क्षेत्र में सुयोग्य शिक्षकों की कमी के कारण हम पिछड़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर रही है। देखिए, आज जो आप यहाँ धरना प्रदर्शन में देख रहे हैं कि हमारे सैकड़ों की संख्या में हम लोग मुजफ्फरपुर जिला के बिहार टीईटी 2017-2011 और सिटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी यहां पर आपके सामने हम लोग उपस्थित हैं। आज जो हम लोगों के सामने सरकार के द्वारा जो अभी हम लोग पीड़ित और सताए जा रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग यहां पर धरना प्रदर्शन करने इस एलएस कॉलेज के मैदान में हम लोग यहां बैठे हैं। हम लोगों को सरकार से अब कहना यही है कि महोदय, हम लोगों को बिहार टीईटी 2017 परीक्षा में पूरे बिहार में 45,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, प्लस सीटेट और 2011 में कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं इसकी आज तक कोई भी जानकारी सरकार के द्वारा रिलीज नहीं की गई है। खैर, ये सब बातों में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हमारी संपूर्ण लोगों की मांग यही है कि हमारी बहाली अभी जो एस्टेट की बहाली निकली है उसके साथ हम लोगों का सरकार नोटिफिकेशन निकाले और प्राथमिक लेवल पर कक्षा 1 से 8 के लिए संपूर्ण नियुक्ति का आश्वासन सरकार हम लोगों को दे, अविलंब हम लोगों का नोटिफिकेशन निकाले, नहीं तो हम लोग आगामी 10 तारीख को पटना के गर्दनी बाग मैदान में लाखों की लाखी संख्या में बिहार के भिन्न भिन्न जिलों से आए हुए विद्यार्थी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी वहाँ पर आंदोलन करेंगे और सरकार को हम अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। अय्यापुर थाना क्षेत्र के माधोपुर मिठनसराय में असामाजिक तत्वों ने एक महिला के घर में घुसकर मारपीट की। अय्यापुर थाना क्षेत्र के मिठनसराय माधोपुर गांव में पड़ोस के ही कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि हमलावरों ने पुलिस तक मामला ले जाने पर कई तरह की धमकी भी दी है। कह रहे हैं कि इसको बर्बाद कर देंगे, कह के इज्जत ले लेंगे, लेकर चौर में चीर फाड़ के इसको धर देंगे, बोले के मौका नहीं रहेगा, उठा के ले जाएंगे, अगर रोड मिले घर भी मिले ठुक जाएंगे, रात भर भर रहते दूरा पर घुराह करते हैं। इमली चट्टी चौक के समीप गुरुवार को एसआर डेंटल केयर क्लिनिक का उद्घाटन किया गया।
इमलीचट्टी चौक पर आज एसआर डेंटल केयर का विधिवत उद्घाटन किया गया। डेंटल केयर का उद्घाटन बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर ललिता सिंह ने फीता काटकर किया। इस डेंटल केयर में दांत से संबंधित बीमारियों का इलाज डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर ने बताया कि इस डेंटल केयर में सभी अत्याधुनिक मशीनों द्वारा इलाज किया जाता है। ये डेंटल सेटअप अभी का मैंने लेटेस्ट सेटअप कोशिश की है कि शहर के अंदर एक अत्याधुनिक जो सारी सुविधाओं से जिस चीज़ से शहर महरूम था चीज़ यहाँ पे जो सुविधाएं नहीं मिल रही थी उन सारे लेटेस्ट डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स के साथ मैंने इस सेटअप को बनाया है। मेरी कोशिश है कि शहर में के जिस डेंटल फैसिलिटी को लेने लोग बाहर जाते हैं उस फैसिलिटी को मैं इस शहर में यही उनको प्रोवाइड करूं, क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन नहीं थी अगर मैं उस स्पेशलाइजेशन को करके आया हूं एमडीएस प्रोस्टोडोंटिक्स मैं इस शहर में अगर बन के आया हूं तो वो सुविधा लोग आज अब यहीं ले सकें। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें जो इस सेटअप को आप देख रहे हैं इतना एक लेटेस्ट सेटअप अभी मैंने तैयार किया है वो इसी तौर पर ये सारी चीज़ें लोगों को यहीं इस शहर के अंदर मुजफ्फरपुर शहर में यहाँ पर सारी सुविधा मिल सके। निकटतम प्रत्याशी संघ के सदस्य ने वार्ड 23 के कई मोहल्ले में जर्जर पाइपलाइन को बदलने और मिनी पंप लगाने की मांग डीएम से की है। निकटतम प्रत्याशी संघ के सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर वार्ड नंबर 23 के सलम बस्ती डॉक्टर एजाजी मार्ग गली और तिलक मैदान रोड जालिम लेन में काफी वर्ष पूर्व बिछाए गए जर्जर पेयजल पाइपलाइन को हटाकर नया पाइपलाइन बिछाने और मिनी पंप लगाने की मांग की है। संघ के सदस्य कन्हैया कुमार ने बताया कि इस मांग को लेकर जन हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया था। आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं, निकटतम प्रत्याशी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल। हम निकटतम प्रत्याशी कन्हैया कुमार गुप्ता वार्ड नंबर 23 से आते हैं। हमारे वार्ड नंबर 23 में पेयजल की समस्या जो है तिलक मैदान, एजाजी मार्ग गली, शेख जानीब नेनगढ़ी और कुर्मी टोला इन जैसे मोहल्ले में पेयजल की समस्या आज से नहीं 15 वर्षों से है और इसका समाधान अभी तक 15 वर्षों से वहाँ प्रतिनिधि आज जीतते चले आ रहे हैं लेकिन कोई प्रतिनिधि ने भी इस 15 वर्षों में उस वार्ड को देखा नहीं। आज वह पानी की इतनी किल्लत है कि भीषण गर्मी में लोग दर दर भटक रहे एक एक बूंद पानी के लिए। इसके लिए हमने जो है सो मोहल्ला वासियों के नेतृत्व में हमने जो है ये आपको जो है सो हस्ताक्षर अभियान चलाया और तिलक मैदान में जो मेन रोड में जर्जर पानी पाइपलाइन है उसको बदलने, एजाजी मार्ग डॉक्टर एजाजी मार्ग गली में जो सलम क्षेत्र है जहाँ गरीब मुस्लिम एवं मजदूर एवं वंचित समाज के लोग बसते हैं उस मोहल्ले में नया पाइपलाइन विस्तार करने, 3 समरसेबुल के लगाने के लिए हमने जो है हस्ताक्षर अभियान लेके आज हम अपने निकटतम प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिल के इस बात को अवगत कराना चाहते हैं कि जो वहाँ उपेक्षित हो रहे हैं लोग इस 7 निश्चय योजना के तहत। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हर घर नल जल योजना यहाँ, लेकिन हमारा वार्ड नंबर 23 इससे उपेक्षित है जिस योजनाओं से, क्योंकि 7 निश्चय योजना के साथ नगर आयुक्त नगर निगम द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। बेला स्थित बियाडा कार्यालय में उद्योग विभाग के जीएम ने उद्यमियों के साथ बैठक की। बेला स्थित जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में उद्योग विभाग के जनरल मैनेजर ने बियाडा उद्यमियों के साथ अहम बैठक की। बैठक के दौरान बियाडा क्षेत्र में उद्यमियों को होने वाली परेशानियों पर चर्चा की, साथ ही उद्यमियों में बियाडा क्षेत्र में विकास कैसे हो इस पर सभी की राय ली गई। जनरल मैनेजर ने बताया कि इस तरह के बैठक से एक दूसरे की समस्या को समझने में आसानी होती है। उद्यमियों की समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए ये बैठक आज बुलाई गई है जिसमें विभिन्न विभागों से उद्यमियों का जो प्रॉब्लम है विभिन्न विभागों से उनको भी बुलाया गया है और उनसे बात करके उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। मुख्य रूप से इसीलिए ये बैठक बुलाई गई। वहीं उत्तर बिहार उद्योग परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि ये बैठक सिर्फ खाना पूर्ति है, हर बार हम लोग बियाडा को समस्या बताते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। बैठक से तो ये सिर्फ खाना पूर्ति की ही प्रतिक्रिया है जो पूर्व से ही चली आ रही है। उद्यमियों अपने
समस्याओं को सभी पदाधिकारी के समक्ष रखते हैं और उनकी किसी भी बात पे कार्य नहीं किया जाता है, उनकी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं किया जाता, बल्कि उनकी समस्या को और जटिल कर दिया जाता है सिर्फ विभागीय खानापूर्ति के क्रम में। नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने ओरिएंट क्लब मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने के मुद्दे पर बैठक की। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने आमगोला स्थित ओरिएंट क्लब मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर अहम बैठक की। इस दौरान शहर के लोगों से प्रतिमा स्थापित करने के लिए सहयोग की अपील की। नागरिक मोर्चा के सदस्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव के कारण प्रतिमा कार्यक्रम धीमी पड़ गई थी, अब उस कार्य को तेज गति प्रदान की जा रही है। नागरिक मोर्चा अपने बैठक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो है स्थापित होना है, लोकसभा चुनाव के कारण थोड़ा कार्य में व्यवधान हुआ और कार्य धीमी पड़ गया था, लेकिन उस कार्य को गति प्रदान करने के लिए आज से हम लोगों ने उस कार्य को आरंभ किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।